أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون जो नासरा हजरात हैं वो अपना अपना नाम जो है पेश करेंगे और दोनों तरफ से जो श्रद्धा है उनकी तादाद एक जैसी होगी और इसमें चंद जो शरायत तय की गई है उनके मुताबिक एक मुनादर होगा, नंबर दो पे सदर होगा, नंबर तीन पे उसके साथ दो जो मामन होंगे और दीगर जो शरायत के मुताबिक दस अफराद दोनों तरफ से दस दस अफराद होंगे और दो दो अफराद मुनादर की वीडियो बनाने वाले जो बात हैं दो दो उनकी तादाद होगी चार और दोनों जो फ्रीकैन है वो अपने अपनी वीडियो फिल्म जिस तरह तय पाया था उसी तरह वो बना रहे हैं और इस पर कोई इतराज ना हुआ है ना कर सकेगा। मनादर की बात बड़ी तोजो के साथ जनाब मनादर की बात मनादर ही उसका जवाब देंगे और सदर की बात का जवाब सदर को देना होगा। जो दावा पेश किया जाएगा उस पर मुनादर को उस मौजू से हटकर कोई दीगर मसला उछालने की हरगिज इजाजत ना होगी। ये मुकाम और जगह का शर्त में यह तय था और जो बामी मशवरे से जो तय किया तो यही जगह है जहां जो आज मुनादरा हो रहा है ये जो तय पाया गया है। फ्री कैन को बराबर वक्त दिया जाएगा अपना अपना मौका पेश करने के लिए और इसमें जो टाइम के मुताबिक पहले मुद्दई को 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा ताकि वो अपना दावा पेश कर सकें। उसके बाद मुद्दा नायक को दूसरे फ्रीक को भी 10 मिनट दिए जाएंगे जो अपना मौका उसके मुताबिक जो पेश कर सके। इसके बाद 5-5 मिनट दोनों ऑटो फ्री कैन को दिए जाएंगे ताकि उसमें वो अपने दलाइल पेश कर सके और इसके बाद मुद्दा नायक को 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा उसमें भी वो अपना दावे क्या करेंगे
और आखिर पे मुद्दई को 5 मिनट का टाइम दिया जाएगा। उसमें जो मुद्दई ने पहले अपना दावा पेश किया और दलील पेश किए होंगे उनके मुताबिक ही बात होगी, उसमें कोई नई दलील जो है वो आखिर पे नहीं दी जाएगी। और जिस किताब का भी कोई मुनाजर साहब हवाला देना चाहे वो असल किताब मौका पर पेश करना लाजमी होगी। मुनाजरा के दौरान गैर मुतलका जो अशखास सामेईन हजरात बैठे हैं उनको बोलने की हक की इजाजत नहीं होगी, और अगर वो साहेब खिलाफवर्जी करेंगे तो उनको हाथ से बाहर निकाल दिया जाएगा। मुनाजर की बात का जवाब सिर्फ मुनाजर ही देंगे और सदर की बात सदर करेंगे, मोहमिन सिर्फ अपने मुनाजर को मशवरा दे सकेंगे। कोई भी फरीक, ये सबसे आम बात है, कोई भी फरीक दूसरे फरीक की बात के दौरान किसी किस्म की दखल अंदाजी करने का हकदार ना होगा, बल्कि हर दो फरीकैन अपने अपने वक्त में अपनी बात कर सकेंगे। और इस पूरे मुनाजरे का शुरू से आखिर तक जो दौरानिया होगा वो 2 घंटे होगा। तो सबसे पहले मुनाजर साहब का दोनों तरफ से मैंने किया कि हो जाए जरा शराइत के मुताबिक आज के इस प्रोग्राम में 10 अस्पताल और 2 मुआवन एक मनाजर एक सदर मनाजर हो रहा और एक उर्दू वाला, लेकिन देख रहे हैं कि आदमी ज्यादा है। पहले शराइत के मुताबिक अपने आदमी को भेज दिए जाए, फिर उसके बाद दूसरी बात हो कितने आदमी आज तक किया है। हसन भाई आप बताएं जिस दिन 17-18 बाद बाद में मेरा ख्याल है कि तकरीबन आपकी बराबर बराबर हो रही है। बाकी साहब जी बड़े प्यार खुश रहना, थोड़ी मेहरबानी सब का इहतराम और अदब के नाल अपनी जगह पे खुश रहना चाहिए। इस वास्ते कि फिर भी कल दोस्तों ने एक दूसरे को दसा और अल्लाह के दीन की तबलीग जी हमेशा प्यार नाल ही होनी चाहिए। जाती है तो सबसे पहले मैंने की थी कि अपने मनाजर का सदर का मुआवनीन का जो दो है उनका जरा इलाज करवा दे। हजरात मेरे ख्याल में आज तक मौजूद है वो बहुत मुश्किल मौजूद है। इस माना में वो बात हो जाती है, आप पहले जो मैं बात करने लगा हूँ सुनते वो
मोरा बाद में बात करना है कि मैं अकल मैं ये भी नहीं कहता कि आप अकल नहीं है। नहीं नहीं मैं आपका मौजूद है हमसे खिलाफ है मौजूद है अधिकार है बड़ा ऐलान करे मुनादर का बोलना मौजूद है हो चुका है बात शरायत कह चुकी है और रसूल कह चुका है मैं बात कर रहा था कि ये मुश्किल मौजू है इस मसला में इस माना में कि आप हमारे बुजुर्गों की इबारात पेश करेंगे हम आपके बुजुर्गों की इबारात पेश करेंगे बात करो जी सुन लो मेरी बात बात यह है खामोश हो देखो आपने जो दावा लिखा है ना उस दावे को तोड़ने के लिए आप हमारे क्योंकि दलाइल देंगे हमारे मतलब हमारा ऐसा है आप गुमराह है आप बेईमान है अरे इसको बेईमान और गुमराह आपने साबित करना है ना तो आकर हमारी बातों से आप साबित करने की कोशिश करेंगे हम आपके बुजुर्गों की या आपकी किताबों से आपको गुमराह करने साबित करने की कोशिश करें मसला ये था कि क्योंकि ये बहुत मुश्किल मसला है इस बात सुन लो यार क्या है पता नहीं आप बात पूरा क्यों नहीं कर रहे ऐसे मनाता होगा कैसे होगा क्यों मनाता नहीं सकेगा शान करिए पूरा अर्जे या जिन्ना दोस्तों ने मनाजरा वगैरह ये तय कराया उन्होंने अपना दावा या अपना प्रोजन जो तय कर दिया अर्जे सीते अपने मनाजर वगैरह दराज पेश करो जिन्हों दोस्तों ने प्रोग्राम तय किया उन्होंने कुछ तय किया बात पूरी सुनी नहीं पूरी गल सुननी मैं यही अर्ज करना चाहता सी मैं मसला तोड़ना चाहना देखो चूंकि मसला इस तरह का है मुनाजरा अजे शुरू नहीं होया तरखियां ने जज्बात ने जिदे नाल बात भी सकती है मैं चाहना वा के खा कितना सख्त तो सख्त हवाला दिता जाए ये जज्बात नहीं आना नंबर दो साड़ी तरफों एक तुहाड़ी तरफों दो कंट्रोलर होने चाहिए ने क्यों इस तहरीर के मुताबिक रसूल के मुताबिक मुनाजर सदर मुनाजर तो अलावा मजलिस में कोई बंदा बोले हमेशा अगर बोलेगा उस बाहर कर दिया जाए वो कटेगा कौन उसके वास्ते दो मुंतजिम होंगे कह इस वालों एक ब्रेवी मकत फिक्र मैं जी गल कर लगा सो ये कि अपने वालों दो कंट्रोलर रखो एक अहल हदीस
नंबर दो टाइम कीपर दो बिठाते जाने कह रहे जी स्पीकर को एक बरेली मकते फिक्र दी क्योंकि मैं तो गल ये करने लगा तुम पता नहीं किधर चले जाते मेरी गल पूरी हो जाए फिर मकसद बातें हो रही अपनी फौरी तौर लेट ना करो तुम अपना टाइमर बिठाओ दोस्त बैठे मेरे नाम का ही पता की ताकि इस काम लेट ना करिए टाइम दो घंटे मौजू छोटा या वड्डा असी झगड़ा साडा मकसूद नहीं ना थोड़ा ना साडा इंशाअल्लाह कभी झगड़ा नहीं होता मेरे अलावा चाया तो झगड़ा नहीं होता सरकार ने सद के असी गुफ्तगू करनी है मनाकर की जेड़ा मौजू है ओदे तो इतला कर लो ओदे ते खत्म कर लो अपने टाइमिंग दस दस मिनट नोट करी जो पांच पांच मिनट मिलते हैं किसी दोस्त को बोलने की कोई इजाजत नहीं सारे खामोश रहन अपने अपने दिमाग को मशवरा दे जनाब मौलाना प्रोफेसर सैयद काल फरमान शाह साहब होंगे और उन्होंने नाल मामन मौलाना उमर सदीक साहब और मौलाना मोहम्मद यया साहब आरफ होंगे मैं इंशाअल्लाह अजीज सलाह करूंगा मैं बोल रहा हूं जरा बोलना तो मुनाजे के सदर मुनाजे सदा लाग मैं अर्ज किया है कि साडी तरफ मुनाजर मुतल्लिम मुनाजर जी मौलाना सैयद प्रोफेसर ताल फरमान शाह साहब होंगे जी और सदर मुनाजर इंशाअल्लाह मैं आपको कराना ਤੁਸੀਂ ਮੁਨਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕੋ ਦਸਬਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਪਸੰਦ ਸੀ ਸਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਈ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਪਸੰਦ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਪਸੰਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਸਤ ਖਾ ਗਏ ਫਿਰ ਮੰਨ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਸਤ ਖਾ ਲਓਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਸ਼ਰਾਇਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦੇਖ ਲਿਆ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਦੰਦ ਸੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ अपने आप को ता बदलिया मैं थोड़े एक अजीजा पैगाम दिता है कि वो आदि अगर मैं हार गया तो ठीक है हार गया मैं तेरे से मुनाजरा दूं तुसी क्यों राय फरार किया कर पहली गल जी गुजारिश है मौलाना पहली बात ये है कि थोड़ी तो मेरी उससे गल हुई सी जी ऐ शरायत विच वो तंगी ना हो जी जिस दा तुहानू मौका मिलिया कि तुसा साडे साथियों नु कहा कि मैं काजी अब्दुल रशीद नाल मुनाजरा नहीं करना वो जाहिल आदमी ये लफ्ज़ तुसा कह जी मेरे को रिपोर्ट दी मैं क्या मेरे नजदीक हुआ जहां है बिल्कुल ठीक है इस वास्ते तुसा किया कि मैं प्रोफेसर सही साहब नाल या प्रोफेसर साजनवीर साहब का मुनाजरा करना मैं क्या कि नहीं मैं उन्होंने मुकाबले से इन बुजुर्गों नहीं पेश करता मैं अपने को होर बुजुर्ग पेश करांगा इस वास्ते जनाब अगर तुसी एक मिनट तुहाडी मेरी गुफ्तगू हुई सी अगर तुसी ये मसला ना उठांदे अज काजी अब्दुल रशीद का नाम मुनाजरा करता बार बार क्यों पूछा कि साडी तरफों तुहाडे वल्लों मुनाजर कौन ते सदर मुनाजर कौन जदों कि मैं तुहाडे वास्ते मुनाजर सां तुहानूं पुछण दी लोड़ नहीं सी ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਤ ਦਾ ਖੁਦ ਨਾ ਰਾਬ ਕਿ ਸ਼ਰਾਇਤ ਲਿਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਜ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸੁਣਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਮੌਲਾਨਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਇਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜਿਆ ਤੁਸੀਂ
आपको पहले ये लिखना पड़ेगा कि मैं मुनाजरे से दस बर्दार हूँ, तो उसके बाद फिर हम नए मुनाजर को मामूल उस दिन भी बात कर ली आपने, जब मैं कर दूंगा क्योंकि फौरन आपको जल्दी आ जाती है, आप मैं कर रहा हूँ तो मेरी भी सुन लिया करें। ये दस खात आपके हैं और ये आपने कहा कि मैं साबित करूंगा, इस वास्ते आपको पहले इस मैदान में उतरना पड़ेगा। और मेरी मौजूदगी लिखा गई जी ठीक है, थले थोड़े सहन है बिल्कुल मेरे भी सहन है ठीक है ना, सारे कैमरा लगे की एक अगर शरायत के अंदर यह है कि काजी अब्दुल रशीद का और मौलाना अशरफ असद जलाली का मुनाजरा होगा तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह हाजिर हूं बिल्कुल, अगर नहीं तो मौलाना तुम क्यों ना लोग दसते हो मौजूद ने चार घंटा तुसा बहस कल सीखे मैं मुनाजरा करांगा मैं साबित करांगा ये मेरा दावा है अपने दस्तखत किए किस दिन बिल्कुल गुजारिश है उस दिन से अगर तुम रेंदे मेरी जगह गुफ्त हुई है आपस बिठा के तहत होया और इन्होंने जरा मतलब मैं कहा कि काजी साहब नहीं कोई होर हो मेरे मुनाजरा कर मेरे मुकाबले से नहीं है और मैं उन्होंने मुनाजरा नहीं करा असि यही गल काजी साहब ने कही है, काजी साहब ने कहा कि ठीक है मतलब अगर वह मेरे न नहीं करना चाहते तो मेरा शगिर्द है भाई यही गल फिर मैं दोबारा दस्तखत किए उस तो पहले एक गल दरमियान हो चुकी है हो चुकी है यकम जनवरी तक हौसला आई कि मैं करांगा आज तुसी कर देंगे यकीन तो कर नहीं कर दे पूरे पाकिस्तान जो कोई आलम ले जमात का कोई आलम आ जाएगा ठीक है इस गल ते फाइनल हो बाकी ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹ ਕਰ 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 ਕਰ
ਬੜੇ ਮੁਨਸਬ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਰਾਬੂ ਨਾ ਬੋਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਅਸ਼ਰਫ ਜਲਾਲੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰ ਕਰੋ जवाब दिते जवाबी जलसा आया जवाब दिते फिर चेक आई कि असीं तुहाडा मुनाजरा करना चाहने हजरत साहब ने लफ्ज मैं हलफा ने बात कहने तैयार हाँ हजरत साहब ने बात आखी सी कि तुसीं मेरे पाए दा बंदा लियावो उन्हें पी एच डी की स्टेडियम इजाजत ले लो मैं मुनाजरा करने तैयार हाँ हर बंद की ख्वाहिश होंगी है कि मैं साहब इलम हर बंदा मैं साहब इलम हाँ ख्वाहिश होंगी मैं साहब इलम ना गुफ्तगू करा अगर उन्होंने कहा ना कि मैं रशीद साहब ने नहीं करना चाहता उस तो बाद रशीद साहब को चाहिए कि साइन दोबारा ना करते कि फाइनलाइज हो गया नाम का कोई तयन नहीं नाम का तयन कोई नहीं मैं कहना चाहता हूं हां जी करो गल ये है कि तहरीर कल वास्ते होती है खुद किया मैं मुनाजरा नहीं करना मैं मुनाजरा नहीं करना उस तो बाद दोबारा यह फाइनलाइज जिसने साइन इन्हें ना करते कहते नहीं मेरे फलाने मौलाना ने मुनाजरा करना जवाब देना क्यों जगह दस्त जो उन्होंने आख्या कि मैं साजन दीन साहब का या मौलाना सईद साहब का मुनाजरा करना बिस्मिल्ला करो Bye.
शिगिर्द ने शिगिर्द ने पहले मुलाकात कर लो फिर अस मुलाकात सामने सामने
ਮੈਦਾਨੇ ਮਾਰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਮੈਦਾਨੇ ਮਾਰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ
बिल्कुल तैयार है इसे वक्त सिख को शरत है कि पहला मुनाज़रा अब्दुल रशीद लिख के दे दे कि मैं शिकस्त तस्लीम कर शिकस्त लिखने का कोई हक नहीं बनता ये जरूर लिख देंगे कि मैं मुनाज़रा इस वक्त नहीं करना Yeah, I got the ball.
क्यों नहीं आया?
ਮੇਰਾ ਤਾਂ